वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो में हम लोग ये जो ग्रिल दिखाई जा रही है इसकी मुकम्मल मेकिंग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इस टाइम पे फ्रेम वगैरह सब बना चुके थे और जितने भी ये एस बनाने थे और दूसरे डिज़ाइन बनाने थे तकरीबन वो सभी तैयार कर लिए थे। पहले साइजिंग निकाल ली थी। ये हम लोगों ने 4 इंच के डिफरेंस से सारे डिज़ाइन लगाए। अब जो है जो रिंग बने हुए हैं ये तकरीबन 8 इंच के गैप पे लगेंगे और जो एस है वो तकरीबन 12 इंच के गैप पे लग रहा है। वैसे कोई हमारे काम पे लगे हुए। तो अब यहाँ पे दूसरी साइड पे ऑलरेडी लग चुका है, इधर 8 इंच पे लगा है और ये वाला जो रिंग है ये भी एग्जैक्ट बेसिकली दोनों साइड एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। तो जिस एग्जैक्ट साइज़ पे हम लोगों ने एक साइड पे लगाया था उसी साइज़ पे दूसरी साइड पे भी हम लोगों को ये रिंग लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरा डिज़ाइन जो है एक दूसरे से अलाइन कर सकेगा। फिर तकरीबन 8 इंच पे हम जो बीच में बिडिंग लगाई हुई है इसके साथ वेल्डिंग करेंगे और बाहर जो एंगल है इसके साथ वेल्डिंग करेंगे। इसका जो है एस का साइज़ और जो ये बोल से बने हुए हैं, अब इसको पता नहीं क्या कहते हैं, हम लोग तो रिंग ही बोलते हैं, तो इसका साइज़ जो है आप सिंपली 2 जो है 4 इंच की लाइंस खींच के और आई थिंक एंगल से ये उठा हुआ है, एंगल से भी 8 इंच उठा हुआ है, तो 8 इंच वो आपने बेसिकली 2-4 इंच की लाइनें खींचनी है और 8 इंच एक साइड से तो ऑटोमेटिकली निकलेगा, दूसरी साइड पे जो है आपको 8 इंच तक पार्टीशन करके उसके बीच में अगर आप ड्राइंग करेंगे तो इसका साइज़ आपको मिल जाएगा। कभी कभी राड नहीं चलता, थोड़ा बहुत अर्थ लाना पड़ता है। तो ये दूसरा रिंग एग्जैक्टली पहले रिंग के ऊपर वेल्डिंग करना है। यहाँ पे इसका जो है डिज़ाइन के एक किस्म का मेन फ्रेम जो है वो तैयार हो गया। अब इसके बीच में हम लोगों ने एक और सरिया लिया है, उसको दोनों साइडों से राउंड किया हुआ है। ये 4 इंच के गैप पे लगेंगे, जितने भी सरिये यहाँ पे लगेंगे वो सभी 4 इंच के गैप पे लगेंगे। तो दोनों साइडों से फिक्स 4 इंच की फरमाइश लेके जो है जो हमने साइड पे डिज़ाइन लगाया हुआ उसके साथ इसको वेल्ड करेंगे। अब ये 4 इंच की फरमाइश लेके यहाँ पे एक साइड पे वेल्डिंग कर दी। डिज़ाइन में सबसे मेन चीज़ जो है वो सिर्फ साइजिंग और मेजरमेंट्स हैं। अगर थोड़ा सा भी साइज़ कहीं से आउट हो जाए तो ये डिज़ाइन बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और जो भी अगर आप साइज़ आउट करेंगे तो वो क्लियरली नज़र आएगा और एक जब फाइनल लुक होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। अब जो दूसरा सरिया है उसमें
हमने इसको साइड पे जो बेंड किया है वो पहले सरिये की बनस्पत कम बेंड किए, क्योंकि अगर यहाँ पे इसको ज़्यादा बेंड करें तो वो पहले सरिये के साथ जुड़ जाता है, जो पहला हमने लंबा सरिया लगाया उसके साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी लुक जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो पहला सरिया जो है वो तो हमने 4 इंच में आराम से जितना बेंड कर सकते हैं तो उतना किया है, लेकिन दूसरा जो है जिससे कि हमने गुलाई एंड पे बहुत छोटी बनाई, राउंड अबाउट 2 इंचेस के अंदर अंदर उसको हमने राउंड किया। ये लास्ट सरिया है, यहाँ पे भी हमने जिस तरह पहले सरिये की 4 इंच के अंदर बेंडिंग की थी सेम इसी तरह बेंडिंग की है। ये सरिया एक साइड से जो है एस के साथ लिंक होगा और दूसरी साइड से जो है रिंग बने हुए हैं उसके साथ लिंक होगा। इस सरिये को भी हम एग्जैक्ट 4 इंच की जो है गैप है उसी पे वेल्ड करेंगे। एस आई थिंक थोड़ा सा बाहर आया हुआ था तो 4 इंच का गैप इस साइड से कवर नहीं हो रहा था, तो उसको थोड़े से थोड़ी मार के लेवल करके यहाँ पे इसको वेल्ड कर दिए। नहीं वो उसको बुखार हुआ है। अब यहाँ से आगे जो हैं 2 सीधे सीधे सरिये हैं जिनको वेल्ड करना। ये डिज़ाइन जो है यहाँ पे एक साइड जो है इसकी कंप्लीट हो गई है, एंड पे सिर्फ 2 सीधे सरिये हैं, इस वजह से वीडियो नहीं बनाई। तो ये हम लोग जो हैं अब इसके बीच में एक गोल रिंग बना के 4 इंच के, सब बीच में 4-4 इंच का गैप है, तो 4 इंच के रिंग बनाने के लिए हमने 12 इंच का सरिये का पीस काट के उसका रिंग बना के इसके अंदर वेल्ड कर रहे हैं। ऐसे ये ग्रेव काफ़ी ऊंची है, इस वजह से इसके बीच में सरिये वेल्ड करने से, ये जो रिंग वेल्ड करने से ग्रेव काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ पे तमाम रिंग जो है वो वेल्ड कर दी है, डिज़ाइन तकरीबन पूरा कंप्लीट हो गया। ये ग्रेव की फाइनल लुक है जाली लगने से पहले। यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो गई थी इस वजह से फर्श थोड़ा गीला हुआ, तो ये ग्रेव की फाइनल लुक है। दोनों साइडों पे पट्टियाँ लगा दी हैं और सेंटर में जो है ये 4 स्टेप बने हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पे अवैस भाई जो है वो जाली लगाने लगे हैं ग्रिल को। अब इसकी 4.5 फुट जो है ऊंचाई है, तो मैं 4.5 फुट की फिक्स जाली लेके आया था, चौड़ाई जो ग्रिल की है वो तकरीबन 11 फुट है, तो 4.5 फुट की जाली तकरीबन 11 फुट 3 इंच लेके आया था ताकि साइड से आराम से बैंड हो जाए। यहाँ पे आधी भाई आधी की पट्टी डाल के इसको थोड़ा सा खींच के हम लोग साथ टांका लगा देते हैं। जाली जो है इसके साथ ठीक ठाक मजबूती से जुड़ जाती है। ग्रिल को जाली लग चुकी है, अब इस पे हम जो है ग्राइंडर चला रहे हैं ताकि जहाँ जहाँ पे वेल्डिंग के निशान हैं वहाँ पे जो जगह है वो प्लेन हो जाए। ये जो हैं ये वेल्डिंग के निशान हैं जो हमने ऊपर से किए हैं, ऊपर से वेल्डिंग की जिसकी वजह से निशान रह जाते हैं, तो वो ग्राइंडर अप्लाई करके ये क्लियर हो जाएगा। ये ग्रिल की फाइनल लुक है पेंट से पहले। ये हम इस ग्रिल को पेंट कर रहे हैं, ये शाइनी ग्रीन पेंट है और ये मेटालिक सिंथेटिक में है।
पेंट करने के बाद ग्रिल की जो फाइनल लुक है वो कुछ ऐसी आती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।